अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज ही रम झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर रेल कर्मचारियों द्वारा रनिंग स्टाफ के पदोन्नति एवं विद्युत कर्षण विभाग में किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 22/7/2021 से लगातार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर आज 11वें दिन भी बैठे रहे। देखिए यह रिपोर्ट। इस 11वें दिन में अभी तक 8 अनशनकारी अति गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती किए जा चुके हैं, लेकिन रेल प्रशासन ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को नजरअंदाज करते हुए अभी तक इनकी मांगों को पूरी करने के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाया है और न ही इनकी तकलीफों को संज्ञान में लिया जा रहा है। इस आंदोलन के समर्थन में वर्तमान विधायक माननीय शैलेश पांडे एवं पामगढ़ विधायक श्रीमती इंदु बंजारे जी द्वारा रेल प्रशासन से आग्रह करने के बावजूद भी अब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नंद कुमार बघेल, पूर्व विधायक एनजी, पूर्व विधायक रामेश्वर खरे, पूर्व विधायक दाऊराम रत्नाकर ने भी रेल प्रशासन को इनकी मांगों को लेकर उचित पहल करने के लिए आग्रह किया है। उसके बावजूद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी संघ बिलासपुर, आम आदमी श्रमिक शक्ति संगठन, कानूनी अधिकार रक्षा मंच, भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़, भीम आर्मी छत्तीसगढ़, सर्व आदिवासी समाज बिलासपुर, एसटीएससी माइनॉरिटी समन्वय समिति, बामसेफ सामाजिक कार्यकर्ता बिलासपुर भी शामिल है। परंतु इतने संगठनों के एक साथ आने के बाद भी अभी तक रेल कर्मचारियों के इन मांगों को लेकर रेल प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने विषय होगा कि 11 दिन तक चलने वाले इस आमरण अनशन के आगे कितने और दिन बढ़ने की संभावना है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। और अब एक खास बात, आरजी रम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।